चांडेल अनुमंडल में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी हुई है। संपन्न लोगों को इस योजना का लाभ मिल गया, वहीं गरीब आज भी पक्का मकान की आस में है। ग्रामीणों को जब इस गड़बड़ी की खबर हुई तो उन लोगों ने बैठक कर आंदोलन करने का निर्णय लिया। अमीरों को मिला लाभ, गरीबों को मिला आश्वासन, संपन्न लोगों को मिला पीएम आवास, गरीबों को अब भी झोपड़ी की ही आस। मुखिया ने पति और सास को दिलाया लाभ, गरीबों से सिर्फ लिया गया आवेदन। गरीबों को पक्का मकान मिले, इस बात को ध्यान में रखकर पीएम मोदी ने पीएम आवास योजना की शुरुआत की थी। लेकिन इस योजना में बहुत खेल हुआ। चांडिल अनुमंडल के चौका पंचायत में बड़ी संख्या में इस योजना का लाभ उन्हें मिला जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। खुद मुखिया के पति और सास को इसका लाभ मिला जिनके पास ट्रक, हाईवा और कार है। जिसको होना चाहिए था उसको नहीं मिला, और जिसके पास नौकरी है, जिसके पास ऑलरेडी प्रतिनिधि है, उनके पास हो गया है। उनका दो दो घो, एक एक उसका माता पिता के नाम से हुआ है, और एक वो सर्विस भी कर रहा है उसके घर में उसका भाई के नाम से, जो आज उसके पास ना आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, ना कुछ है, उसके नाम से उपलब्ध कराया गया है। सर, गांव में ये पीएम आवास नहीं बन रहा है, सबका बन रहा है, मेरा भी नहीं बना है, मेरा गांव में भी बना है लेकिन मेरा नहीं बना है, और पूरा एक गांव में तो पूरा छूटा है, जिधर बना है उधर मेरा छोड़ दिया है, सबका एक घर में दो दो बन रहा है। चौका पंचायत के रोयाडीह गांव के उराव टोला में ग्रामीणों ने बैठक कर आंदोलन करने का मन बना लिया। उनका कहना है कि हमारे टोला में किसी को भी इस योजना का लाभ नहीं मिला, जबकि किसी का घर पक्के का नहीं है। वहीं इसकी जानकारी एसडीओ को दी गई तो उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही। जानकारी मिलने के बाद गांव जाकर के मैं इसको जांच करूंगा और इसकी सत्यता को जानूंगा कि आखिर हकीकत क्या है, और उसके बाद जिस तरह की भी बात हुई आगे कार्रवाई की जाएगी। हाउसिंग फॉर ऑल में पहला लाभ मुखिया ने अपने ही घर में लिया। अब ग्रामीणों को पीएम आवास योजना का लाभ कब मिलेगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है। न्यूज 11 भारत के लिए सरायकेला से बसंत कुमार की रिपोर्ट।